everyone, welcome to another video. So today I'm going to talk about Gulab Singh. Before we moving on Gulab Singh, we have to talk about Ranjit Singh. Ranjit Singh was a prominent ruler in the Sikhism in Kashmir. As we know that the Gulab Singh, Maharaja Gulab Singh was a worker under the Ranjit Singh as a Sikh ruler, right? So whatever Gulab Singh were doing after only for the Ranjit Singh, only for the Sikh rule, under the Sikh rule. We were also known about the Zorawar Singh, who captured the Gilgit, Ladakh, Baltistan, and also it becomes the Lahore Darbar after 18. And also Ranjit Singh was after the death of Ranjit Singh, there is no prominent ruler. We were also talking about that Ranjit Singh, after the death of the Ranjit Singh, there is a decline of Sikhism in the Kashmir region. Then we have an Gulab Singh, who after a while they established Dogra dynasty in the Kashmir and Jammu also. When we are moving on Gulab Singh, we have to talk about the basics of Gulab Singh, that is his birth was in 1792 AD. In 17th October, he is a founder of Dogra dynasty. We all know that he was in working under the Ranjit Singh after the he signed the treaty of Amritsar. Then he the Britisher gave them as a the Kashmir. उन्होंने दे दिया था उसके बारे में उसके बाद जो है वो prominent ruler बन जाता है J&K एज अ डोगरा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करता है. कहते हैं गुलाब सिंह वॉज एन राजपूत रूलर, राइट? एंड ऑल्सो ही वॉज एन जम्वाल क्लैन ऑफ राजपूत. जम्वाल क्लैन जो गोत्र होता है ना, वो जम्वाल था उनका. उनका जो कार्यकाल है, जो उन्होंने अपना टाइम टेन्योर दिया है टू द पीपल्स ऑफ J&K, दैट इज़ इन 1846 से लेकर 56 तक उन्होंने यहाँ पर रूल किया है. He was a son of Kishore Singh. Kishore Singh उनके पापा थे और वो भी कहाँ पे सर्विस दे रहे थे अपनी, अंडर द सिख रूल, दैट इज़ अ रंजीत सिंह के अंडर वो भी एक सर्विस मैन थे. एंड सिमिलरली इनिशियली वो भी क्या कर रहे थे, सिख को सर्व कर रहे थे. और सिख एज अ अंडर कुछ भी अगर उन्होंने कैप्चर किया है, लाहौर कैप्चर किया है, कुछ भी उन्होंने अच्छा काम किया है, तो वो किसके लिए किया, उन्होंने सिखइज़्म के लिए. अब गुलाब सिंह जो थे उनके दो भाई थे, ठीक है? तो एक थे उनके मियाँ ध्यान सिंह, दूसरा था सुचेत सिंह. मियाँ उनको एज अ रिस्पेक्ट के लिए बोला जाता था, एंड सुचेत सिंह उसका दूसरा भाई, पहला उसका ध्यान. तो इस तरह से ये दोनों भाइयों को असैसिनेट किया जाता है, इट मीन्स कि उनको मृत्यु के कर. एज वी नो दैट मियाँ ध्यान सिंह वॉज एन serving as a commander of Sikh in Ranjit Singh. मियाँ ध्यान सिंह जो थे वो longest service दीवान थे, जो Sikh Empire में काम करना शुरू किया था और यहाँ पर गुलाब सिंह के अंडर भी कहीं ना कहीं काम आते हैं. मियाँ ध्यान सिंह को उपाधि दी जाती थी 1828 में राजा ऑफ भीमभर. भीमभर के नाम से उनको जाना जाता था, एज अ उपाधि दी गई थी क्योंकि वो longest service दीवान थे Sikh Empire के अंडर. लगभग 25 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सिख के लिए ही निकाल दिए थे. और कहते हैं उनका मर्डर किया गया था एंड मर गए थे वो, ठीक है? तो इनके जो दो भाई थे, मियाँ ध्यान सिंह और सुचेत सिंह, ध्यान सिंह की बात की हमने, वो भीमभर कहलाए और उनका दोनों का मर्डर या असैसिनेशन हो गया था, बोथ ऑफ देम असैसिनेशन, ठीक है? प्रोसेस 1843 में वो दोनों मर गए. अब गुलाब सिंह जो थे वो ही बचे, क्योंकि इनके जो बेटे थे, किशोर सिंह के बेटे थे गुलाब सिंह, और गुलाब सिंह के तीन बेटे थे, मतलब जो किशोर सिंह थे उनके तीन बेटे थे. गुलाब सिंह के दो भाई और थे जो जिनका असैसिनेशन हो गया, और बचे कौन? गुलाब सिंह. अब ऑब्वियसली अब दोनों नहीं हैं तो इसके अंडर कौन आएगा, जो लॉन्गेस्ट सर्विस जो दे रहे थे दीवान एम्पायर किसके अंडर, सिखिज़म के अंडर, वो भी मर गए. तो अब कौन बचा? गुलाब सिंह. तो ऑब्वियसली यहाँ पे थ्रोन में कौन आएगा? रंजीत गुलाब सिंह आएंगे.
कहते हैं 1808 का बैटल होता है घुम्मट घुम्मट और जम्मू भी कह लो। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें ये जो बैटल हुआ था ये इसमें भी सिख ही थे, सिखों का मतलब बैटल हुआ था, जो मतलब कि महाराजा रणजीत सिंह के अंडर होके, जब महाराजा रणजीत सिंह वहाँ पे रूल कर रहे थे कश्मीर में, उन्होंने ये बैटल को फेस किया था 1808 में, घुम्मट नाम का बैटल, और जिसमें कौन लड़े थे, महाराजा गुलाब सिंह। और इससे बहुत इम्प्रेस होके महाराजा रणजीत सिंह ने इनको क्या किया, अपनी आर्मी में इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस इट मीन्स कि उसको अपनी आर्मी में ले लिया। अब गुलाब सिंह इसके बेस्ट ऑफ आर्मी मैन में से एक हैं। अब 1809 में इनको अपनी आर्मी में इंट्रोड्यूस करवाया, और कहते हैं 1809 से लेकर 1846 तक जो है जो भी काम वगैरह जो भी सिख में काम किया, उन्होंने कुछ कैप्चर किया या कुछ हासिल किया, कनकर किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिख के लिए किया गया, ना कि अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करने के लिए। उनको ये लगता था कि रणजीत सिंह के अलावा और कोई भी बेस्टेस्ट रूलर नहीं। अब जो गुलाब सिंह था वो तो आर्मी में आगे इंट्रोड्यूस था किसके, रणजीत सिंह के। अब उसमें एक और चीफ इन्वॉल्व होता है गुलाब की आर्मी में, तो वो कौन होता है, जोरावर सिंह। जोरावर सिंह जो होता है उसका जो कार्यकाल है वो शुरू होता है 1786 से लेकर, और उसको डेथ इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1841 में इसकी डेथ हो जाती है। और डेथ भी कहाँ पे होती है, इसकी बिलासपुर। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जोरावर सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलासपुर कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में ये रहते हैं, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। इनकी जो डेथ होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हालांकि ये बहुत अच्छा इंटेलिजेंट जनरल होता है, कमांडो होता है, कमांडर इन चीफ होता है, किसका, गुलाब सिंह का। तो 1786 से लेकर 1841 तक इसको क्या करता है, सर्व करता है। कहते हैं 1841 में इसकी डेथ हो जाती है, किसकी, ये जोरावर सिंह की, एट द बैटल ऑफ टोयो। बैटल ऑफ टोयो कहाँ पे है, तिब्बत में है। और कहते हैं इसमें क्या हुआ था कि ये जब लड़ाई करने गया था टोयो में, तो टोयो कहाँ पे है, ये लद्दाख और तिब्बत वाली साइड में। और उस टाइम पे 1841 में कोई नो रोड्स, कोई कनेक्टिविटीज ही नहीं थी, वहाँ पे घोड़े लेके जाते थे, और टोपोग्राफी इतनी ख़राब थी, कहते हैं वहाँ पे स्नोफॉल हुआ और उसकी वजह से इनको वहाँ पे जो एरिया ब्लॉक्स हो गए, और वो चढ़ाई नहीं कर पाए और कनकर नहीं कर पाए, और इस तरह से उनकी वहाँ पे डेथ कर दी गई। जो मतलब कि मेजर रीज़न बताया जाता है इनकी मृत्यु का, कि इनके पास टाइम पे जो री इन्फोर्समेंट थी, मतलब कि जो आनी थी, जिसके चलते इनकी मृत्यु हो गई। इसके अंडर कहते हैं 1819 में इन्होंने लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान अपने कब्ज़े में लिया था, ये भी इनकी बहुत क्या कह लो इनकी जो है प्रसिद्धि है। और इनका जो रीज़न है मरने का, क्योंकि ये रीइंफोर्समेंट अच्छे से नहीं पहुंच पाई वहाँ पे, और एरिया ब्लॉक्स हो गए और उनकी वहाँ पे ही मृत्यु हो गई। और हिस्ट्री में इनका नाम आज भी जाना जाता है, क्योंकि जम्मू में एक बाहू प्लाजा नाम का एक जगह है, वहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल में इनका स्टैचू बना है। क्यों, क्योंकि ये एक नाम था जम्मू कश्मीर में, जम्मू में इनका एक स्टैचू भी बना है जहाँ पे बाहू प्लाजा है। इन्होंने एज अ कमांडर क्या कहते सर्व किया, किसको, गुलाब सिंह को। और गुलाब सिंह जब डोगरा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करता है तो उसको भी गवर्नर बनाता है। अब देखो यहाँ पे डिक्लाइन होने लगा क्या कहते रणजीत सिंह का जो वो था, और धीरे धीरे इसने भी हेल्प करना बंद कर दिया। 1817 में कहते हैं कि जो गुलाब सिंह ने क्या किया, जोरावर को कमांडर इन चीफ बना लिया अपना। 1817 में अपना जोरावर सिंह को अपना कमांडर बना लिया, उसके बाद ही उसकी ये सारी जो है प्रसिद्धियां हैं। 1819 में उसने लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान को अपने कब्जे में लिया, फिर क्या कहते इसकी डेथ किस तरह से हुई है, ये मतलब चढ़ाई करते करते इसकी डेथ हुई है। उसके बाद 1817 में इसने रियासी कैप्चर किया, गुलाब ने कैप्चर किया रियासी को, और उसकी इसकी हेल्प से, जोरावर सिंह की हेल्प से। और 1817 में ही फर्स्ट टाइम रियासी पोर्ट रेनोवेट किया गया था,
फर्स्ट टाइम ही रियासी पोर्ट, रियासी को कैप्चर करके ही उन्होंने रियासी का पोर्ट को रेनोवेट करना चाहा। कहते हैं 1821 में राजौरी को कैप्चर करने के लिए किसको भेजा गया, इन्होंने राजौरी को भी कैप्चर कर लिया। और वहाँ का राजा कौन था उस टाइम पे, अगर खान। और अगर खान की जगह इन्होंने किसको बैठाया, रहीम उल खान को राजा बना दिया वहाँ का, राजौरी का। अब आगे किश्तवाड़ में भी इन्होंने क्या किया, चढ़ाई की, और किसकी हेल्प से, जोरावर सिंह की हेल्प से। वहाँ पे भी राजा को बिठाया गया, कौन सा, राजा तेग मोहम्मद सिंह। राजा तेग मोहम्मद सिंह जो थे वो किश्तवाड़ के राजा थे, और वहाँ से इसको हटाकर वो वाला किश्तवाड़ वाला रीजन अपने हक में ले लिया गुलाब सिंह ने। और किसको वहाँ का गवर्नर बना दिया, राजा कौन बना दिया, जोरावर सिंह को वहाँ का गवर्नर बना दिया। अब इस तरह से ये जोरावर सिंह की जो कहानी है ये हमें पता चल रही है किस तरह से वो चढ़ाई कर रहा है, कहाँ कहाँ की उसने। एक तो उसने पहले कमांडोर बनाया, फिर उसके बाद बाल्टिस्तान, ये तो हमें पता ही है कि वहाँ पे उसने चढ़ाई की। फिर उसने रियासी को कैप्चर किया, फिर उसके बाद राजौरी को कैप्चर किया, फिर किश्तवाड़ को कैप्चर किया, पर उसका गवर्नर खुद बन गया ये, मतलब उसको बना दिया गया। कहते हैं नाइन मार्च 1946 में ट्रिटी ऑफ लाहौर हुई। अब ट्रिटी ऑफ लाहौर हमें अलग से पढ़नी है। इन 16 मार्च 1846 में ट्रिटी ऑफ अमृतसर, हमने पता ही है जो जे एन के है वो किसके हाथ में चला जाता है, गुलाब सिंह के हाथ में डायरेक्ट। और महाराजा बिकेम बन, और वो महाराजा बन जाता है इस तरह से। और कहते हैं जो जम्मू कश्मीर थी वो प्रिंसली स्टेट थी, मतलब कि अंडर द ब्रिटिश रूल वो एक खुद का अपना राजा बनाते थे, और ब्रिटिश का रूल भी वहाँ चलता रहता था, और उसके अंदर प्रिंस भी यहाँ पे रूल करते थे। हमारा जेएनके जो था वो सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, इट मीन्स कि जो फर्स्ट था वो कौन था, हैदराबाद था। वॉट इज़ ट्रीटी ऑफ लाहौर, वॉट इज़ ट्रीटी ऑफ अमृतसर, वी हैव टू टॉक अबाउट इन डिटेल। Let's discuss in another video. Thank you for listening. After that, after this video, we will discuss these two treaties, which is very, very important in the history. Thank you.